हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंस क्या होता है स्टेट और प्रॉप्स के बारे में। स्टेट इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टार्ट्स विद द डिफॉल्ट वैल्यू व्हेन अ कंपोनेंट माउंट्स। जब भी हम एक स्टेट बनाते हैं, ठीक है, इज अ स्टार्ट्स विद द डिफॉल्ट वैल्यू व्हेन अ कंपोनेंट माउंट। जैसे ही कंपोनेंट माउंट करता है तो हम एक इनिशियलाइज करते हैं स्टेट, उसकी करंट स्टेट क्या है किसी की भी, ठीक है। It may be mutated across the time, mostly as a result of the user events. जब भी कोई user event होता है तब भी state क्या होती है आपकी, mutate होती है, ठीक है। Props क्या होते हैं, short for properties, जिसे कहा जाता है, are the components configuration. They are received from the above and immutable है, याद रखना immutable है as far as the component receiving them is concerned. जब तक किसी component से वो चीज़ मिली है वो इम्यूटेबल है आपके प्रॉप्स, ठीक है। अ कंपोनेंट कैन नॉट चेंज इट्स प्रॉप्स, प्रॉप्स को चेंज नहीं किया जा सकता, बट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग टुगेदर द प्रॉप्स ऑफ इट्स चाइल्ड कंपोनेंट्स। कॉल बैक फंक्शंस आर आल्सो पास्ड इन एज अ प्रॉप्स, ठीक है। तो मैं सीधी सी बताता हूँ इसको। स्टेट जब भी कोई हम क्या कहते हैं स्टेट डिफाइन करते हैं, अगर रिएक्ट के अंदर ही बात की जाए तो जैसे सपोज मान लो कि मैंने काउंटर का बटन बनाया है, ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, तो इनिशियलाइज स्टेट की है ना मैंने कि पहले क्या होगा, जीरो होगा जब बटन क्लिक करूंगा, फिर इंक्रीमेंट होगा प्लस वन और प्लस टू समथिंग, ठीक है। प्रॉप्स क्या होगा, जस्ट आपको वैल्यूज दिखानी है, ठीक है। आपके पास एक कंपोनेंट को आपने वैल्यू पास की है, उस कंपोनेंट में वैल्यूज को आपने क्या किया, प्रॉपर्टीज को शो करवाया है। आप इसे इम्यूटेट नहीं कर सकते हैं। स्टेट में क्या कर सकते हो, आप इम्यूटेट कर सकते हो, आपकी वैल्यूज चेंज होंगी बार बार, ठीक है, बट विद इन द कंपोनेंट, ठीक है। In React, both state and the props are mechanism to manage and pass data to the components. दोनों ही data को pass करने के लिए use होते हैं, but they serve different purpose. दोनों का different purpose है and distinct characteristics है, ठीक है। तो अच्छे से समझ लेते हैं। Props, short for properties, are used to pass data from the parent component to its child component, ठीक है। They are immutable and read-only. You can't modify. The parent component defines and sets the props. Parent component पे ही define करता है और set करता है कौन सा props child को भेजना है, ठीक है, और किस तरीके से वो use करेगा। Passing mechanism, props flow in one way direction, ठीक है, from its parent to child. The parent component can pass any data. Parent component कोई भी data pass कर सकता है, including primitive values, object, functions, even other React components as a prop. Assessing props. Inside the child component, props are assessed through the props object, ठीक है, props object से ही मिलेगा, which is automatically passed as an argument to the functional components or assessed using this dot props method से ही हम उसे क्या कर सकते हैं, class component में call कर सकते हैं, ठीक है। Updating props, since props are immutable, पहले बता दिया था, child components cannot directly modify the data received through the props. Child component directly data manipulate नहीं कर सकते, जो data मिला हुआ है as it is आप उसको क्या करोगे, दिखाओगे, show कराओगे, use करोगे, ठीक है। इफ अ चेंज इन अ डेटा इज रिक्वायर्ड, द पेरेंट कंपोनेंट मस्ट मॉडिफाई द स्टेट, ठीक है ना। अगर चेंज कोई रिक्वायर्ड है तो सबसे पहले पेरेंट कंपोनेंट में जाके वो मॉडिफाई होगा, तो ही वहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट के पास दिखेगा, ठीक है। यूज केस, प्रॉप्स आर कॉमनली यूज टू पास डेटा बिहेवियर फ्रॉम द पेरेंट कंपोनेंट टू इट्स चिल्ड्रन, ठीक है। दे इनेबल कम्युनिकेशन एंड द डेटा शेयरिंग बिटवीन द कंपोनेंट्स इन द रिएक्ट एप्लीकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा शेयरिंग होती है हमारे प्रॉप्स के थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट क्या होती है, ठीक है। जो हमारे पास क्या कहते हैं स्टेट होती है, इज यूज टू मैनेज एंड स्टोर म्यूटेबल डेटा विद इन अ कॉम्पोनेंट, जो डेटा बार बार चेंज होता रहे विद इन अ कॉम्पोनेंट, ये याद रखना। अनलाइक प्रॉप, स्टेट इज प्राइवेट टू द कॉम्पोनेंट दैट ओन्स इट एंड कैन चेंज विद इन अ कॉम्पोनेंट। कॉम्पोनेंट के अंदर ही आप स्टेट क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। असेसिंग द स्टेट, इन अ क्लास कॉम्पोनेंट स्टेट इज असेस्ड यूजिंग द दिस डॉट स्टेट। जब हम क्लास कंपोनेंट बनाते हैं तो उसके अंदर दिस डॉट स्टेट से क्या करते हैं, किसी भी स्टेट को गेट करते हैं, और फंक्शनल कंपोनेंट में हम क्या करते हैं, स्टेट इज मैनेज यूजिंग द रिएक्ट हुक सच एज यूज स्टेट। अपडेटिंग स्टेट, स्टेट कैन बी मॉडिफाइड यूजिंग द सेट स्टेट। फंक्शन क्लास कंपोनेंट में क्या होता है, सेट स्टेट यूज करते हैं, और जो फंक्शनल कंपोनेंट में यूज करते हैं हम यूज करते हैं उसके यूज स्टेट को ही, ठीक है। यूज स्टेट हुक इन फंक्शनल कंपोनेंट्स, द व्हेन द स्टेट इज अपडेटेड रिएक्ट विल रीरेंडर द कंपोनेंट एंड इट्स चिल्ड्रन टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस, ठीक है। रिएक्ट ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, रीरेंडर कर देता है कॉम्पोनेंट को एंड इट्स चिल्ड्रन टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस दिखाने के लिए, ठीक है। लोकल टू द कॉम्पोनेंट, स्टेट इज लोकल टू द कॉम्पोनेंट, ऑब्वियस ही बात है,
एक कंपोनेंट है हमारे पास, उसकी स्टेट क्या है, उसी उस कंपोनेंट में घूम रही है तो लोकल है, विच इज डिक्लेयर्ड. चेंजेस टू द स्टेट इन वन कंपोनेंट डू नॉट इफेक्ट द स्टेट इन द अदर. एक कंपोनेंट में चेंज किया तो दूसरे कंपोनेंट में कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि स्टेट क्या होती है, लोकल होती है, उसी में होती है. ठीक है. यूज केस, स्टेट इज यूज टू मैनेज डायनेमिक डेटा. ठीक है, स्टेट जो होती है डायनेमिक डेटा को मैनेज करने के लिए यूज होता है. बटन पे क्लिक किया, डेटा चेंज हो गया, डायनेमिकली अपडेट हुआ ना. विच इज डिक्लेयर्ड. चेंजेस टू द स्टेट इन वन कॉम्पोनेंट डू नॉट, सॉरी, स्टेट इज यूज टू मैनेज डायनेमिक डेटा दैट कैन चेंज ओवर टाइम विद इन अ कॉम्पोनेंट. इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर हैंडलिंग यूजर इंटरेक्शंस. ठीक है, फॉर्म इनपुट्स हो गया, अदर कॉम्पोनेंट्स, इंटरनल लॉजिक के लिए ही इसको यूज करते हैं. ठीक है. समरी, props are passed from parent to child are read only, while state is local to the component and can be changed. ठीक है, स्टेट जो होती है लोकल होती है और कभी भी चेंज हो सकती है within the component. props enable communication between the components. ठीक है, एक component से दूसरे component data pass किया तो communication हो रही है props के through. whereas state enables components to manage their own data and the behavior. जबकि state सिर्फ enable करती है component को to manage their own data and their behavior. props flow one way, from parent to child jayega, while state remains within the component. ठीक है, state component में ही रहती है, where it is defined. ठीक है, तो ये था हमारा state और props के बारे में differentiation. मैंने कोई point miss कर दिया है, please write down in the comment section. Thank you so much for watching this video and don't forget to like, share and comment on my video. Have a nice day.